हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए शेयर करने आई हूँ स्प्रिंग रोल शीट। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा, नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच ऑयल। इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है जैसे कि ये बाइंड हो सके। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये बाइंड हो रहा है, मतलब ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका एक सॉफ्ट डो बना के लेना है। ये हमारा सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे सेट होने के लिए। बीस मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं डो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही गूंदेंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट बने। मैंने डो को इवनली डिवाइड कर लिया है और इसमें से मैं एक पार्ट ले लूँगी। इसे हमें राउंड करना है कि एक छोटी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ। जिस तरीके से हम पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें एक रोटी बनानी है छोटी। सारी रोटी बना ली है और उसमें से एक रोटी मैंने यहाँ पे रखी है। उस रोटी के ऊपर हम लगाएंगे ऑयल और ऑयल के बाद हम मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और उसे इवन करेंगे हाथ से। स्प्रेड करेंगे अच्छे से और इसी के ऊपर हम ये सेकेंड रोटी रखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 रोटियां एक के ऊपर एक रखी है। आप चाहे तो 2 रोटियां भी यूज कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे। अब ये हमने लास्ट वाली रोटी रखी है और साइड से हमें प्रेस करना है। दूसरे साइड से भी हमें इसे किनारे प्रेस करना है। अब हम मैदा को स्प्रिंकल करेंगे दोनों साइड से भी। और जितनी बड़ी आपको शीट चाहिए उतनी बड़ी आपको ये रोटी बनानी है। यहाँ पे रोटी बना ली है। अब हम इसको सेकेंगे। तो मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। इसके ऊपर हम सेकेंगे रोटी। हमें इसे बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, सिर्फ हल्की सी ही सेकना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे हल्के हल्के सेकना है दोनों साइड से। और आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इन शीट को हमें हल्के हल्के हाथों से निकालना है, अदरवाइज ये फट जाएगी। और मैंने एक शीट को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारी शीट को निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ट्रांसफर और पतले हुए हैं। इसी तरीके से हमें ये स्प्रिंग रोल के शीट चाहिए होते हैं। आप शीट को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में या फिर फॉइल पेपर में रैप करके फ्रीज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और जब आपका मन होता है स्प्रिंग रोल खाने का तब आप इसे जल्दी से बना के डीप फ्राई करके खा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।